जय हिंद स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका। पिछले चैप्टर्स में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चार्ज के बारे में बात करी थी। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी देख रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। ओके, तो क्या होती हैं प्रॉपर्टीज? हम लोग देख चुके हैं कि जो चार्ज होते हैं कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, है ना। एक होता है हमारा पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। और दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने की टेंडेंसी रखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो साइज है ना, जो बॉडी का साइज है जिसपे चार्ज है, ठीक है, मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक है, और इस पे ये चार्ज है, प्लस चार्ज। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो ना, बॉडी इतनी बड़ी है और चार्ज इतना छोटा है, यानी कि इस बॉडी के रिगार्ड में ये चार्ज बहुत छोटा है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो इस छोटे चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज कहते हैं, बिंदु आवेश कहते हैं, राइट। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो भी चार्ज होते हैं, ऑल चार्ज कंटेंट ऑफ द बॉडी इज एज्यूम टू बी कंसेंट्रेटेड एट वन पॉइंट इन स्पेस। पूरे स्पेस में जितने भी चार्ज हैं वो सब एक बिंदु की तरफ कंसेंट्रेट होते हैं। जैसे मान लीजिए ये स्पेस है, ये कोई पॉइंट है, तो जो भी चार्ज होगा पूरे यूनिवर्स में वो इसी पॉइंट की ओर मूव करेगा, टेंड करेगा, ठीक है, कंसेंट्रेटेड है, राइट। ओके, नेक्स्ट वन, एडिटिव ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्ज को हम कैसे जोड़ सकते हैं, एडिशन, है ना। एडिशन लिखा तो कैसे होता है, अगर कोई सिस्टम है ना, उसमें चार्ज है क्यू वन और क्यू टू, ठीक है। तो जो टोटल चार्ज है, तो सिंपल सा हम इसको क्या कह सकते हैं, क्यू वन प्लस क्यू टू। यानी कि जैसे हम लोग नंबर्स को जोड़ते हैं ना, कि भाई चार में पांच जोड़ दिया, कितना आ गया, नौ आ गया, है ना। तो उसी तरीके से मान लीजिए चार कूलाम का आवेश है, पांच कूलाम का आवेश है, इसको ऐड कर दिया, कितना हो गया, नौ, ठीक है। तो जैसे स्केलर्स और रियल नंबर्स जोड़ते हैं वैसे हमको जोड़ सकते हैं, ठीक। अगर कोई इसी तरीके सिस्टम में, अभी तो ऊपर हमने क्या कहा, क्यू वन क्यू टू, इसी तरीके से क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू एन, इसलिए क्यू एन, यानी कि एन नंबर तक के चार्जेस, ठीक है। तो जो क्यू होगा इन सब का क्या होगा, सम होगा, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर, है ना, और ठीक है। चार्ज हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन सिमिलर टू द मास। अब हमने क्या बताया था शुरुआत में, आपको याद होगा जब वीडियो हम लोग देख रहे थे, कि चार्ज को हमने क्या कहा था, स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है। तो सीधी सी बात है, अदिश राशि में मैग्नीट्यूड तो होगा, उसकी वैल्यू तो होगी, लेकिन कोई भी दिशा नहीं होगी, जैसे द्रव्यमान की, ठीक है। तो कह सकते हैं कि मास और चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, सिवाय एक चीज के, ठीक है। देयर इज वन डिफरेंस मास एंड चार्जेस, ठीक है। क्या है, मास ऑफ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। दोनों में भाई हमने ये कहा कि यहां पे मास ले लेते हैं और यहां पे चार्ज, चार्ज को क्यू से करते हैं सपोज, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मास हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कभी नेगेटिव नहीं रहेगा, लेकिन चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी रह सकता है, ठीक है। तो यही एक बिग डिफरेंस है मास एंड चार्ज, राइट। नेक्स्ट वन, प्रॉपर साइंस हैव टू बी यूज व्हाइल एडिंग द चार्जेस। जब हम चार्ज को ऐड कर रहे हैं तो प्रॉपर साइन होना, यानी प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब जरूरी चीज है कि प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि अगर चार चार्ज है, भाई आपका देखिए प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर एंड फाइव, ठीक। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो इस तरीके से कितना हो गया, फिफ्टीन। अब सपोज यहाँ पे एक था प्लस वन, एक था प्लस टू, एक था प्लस थ्री, है ना, और एक हो गया माइनस फाइव, ठीक। तो अब इनको ऐसे ही ऐड करेंगे, कितना हो गया, एक दो तीन, तीन छह और माइनस पांच, यानी कुल आवेश कितना हो गया, एक। क्लियर हो गया, ओके, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्या होता है क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए, तो उसमें यह देखा गया कि जो चार्ज है ना, वो एक पूर्ण गुणांक होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है बेसिक यूनिट, ठीक है। और उसको ई से डिनोट करते हैं, किससे, ई से। और ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, जो सबसे छोटा आवेश पाया गया। तो कोई भी आवेश होगा उसको हम ई के गुणक में लिखेंगे, यानी कि वन ई टू ई, और ये पूर्णांक होंगे, यानी वन टू थ्री फोर ऐसे होगा, यानी कि वन बाई टू ई लिख दिया, नहीं गलत, ठीक है। तो चार्ज ऑफ ए बॉडी कैसे दिया था, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, है ना, यानी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, एनी, जहां एन क्या है, वन टू थ्री फोर, ठीक, वेयर एन इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो क्यू इज इक्वल टू एनी होगी, दिस बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज द चार्ज दैट एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरीज, है ना। तो ये बेसिक यूनिट होता है चार्ज का, जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन अपने साथ कैरी कर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, और प्रोटॉन का चार्ज क्या लेते हैं, हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। अब ये कन्वेंशन है, यानी कि शुरुआत से ये प्रथा चली आ रही है, तो हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। देयरफॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज रिटन एज माइनस ई, एंड दैट ऑन अ प्रोटॉन इज रिटन एज प्लस ई। ओके, द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई इस टर्म एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, क्वांटमीकरण क्या होता है, कि वन ई टू ई थ्री, इस तरीके से इंटीग्रल मल्टीपल, पूर्णांक में हम लोग लिखते हैं उसको, कहते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में क्या होता है, बहुत सारी सिचुएशन होती है ना, जहां पर कई सारी जो भौतिक राशियां हैं वो क्या होती है, क्वांटाइज होती है, ठीक है, क्या होती है, क्वांटाइज, ठीक। तो
तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है सबसे पहले सजेस्ट किया गया था एक्सपेरिमेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कवर्ड बाय इंग्लिश एक्सपेरिमेंटलिस्ट फैराडे। फैराडे के जो नियम थे उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश को, बल्कि किसी भी आवेश को क्वांटाइज प्रूफ किया गया, ठीक है, किसके में, फैराडे के, ठीक है। और मिल्किन ने, किसने, मिल्किन ने, ठीक है, इसको क्या किया था, डिस्क्राइब किया था, है ना, कब किया था, 1912, यानी कि किसके में हुआ था, फैराडे के में हुआ था, और डिस्क्राइब इसने किया था, मिल्किन ने, 1912, ठीक। इन द इंटरनेशनल सिस्टम यानी एसआई में, एसआई यूनिट जो सिस्टम होता है उसमें जो चार्ज का यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलाम, है ना, क्या होता है, कूलाम होता है, डिनोट किया जाता है इससे, राइट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कूलाम की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कूलाम इज डिफाइंड एज अ यूनिट इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता है, डेफिनेशन में देखते हैं, तो एक कूलाम एक चार्ज होता है, ठीक है, जो एक वायर में थ्रू होता है जब उसमें जो करंट है वो कितनी होती है, 1 एम्पियर, यानी कि क्यू इज इक्वल टू एनी होता है ना, तो क्यू इज इक्वल टू एक हो जाएगा, आई टी, क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू आई टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी। तो यहां से देखो भाई, टी को हमने 1 कर दिया, आई को 1 कर दिया, तो क्यू इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा अगर प्रवाहित हो रही है उसमें बहने वाला चार्ज कितना होगा, एक कूलाम, सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर हमको ये कहा जाए कि भाई बताइए कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ठीक है, तो क्यू इज इक्वल टू एनी हो, क्यू इज इक्वल टू कितना हुआ, एनी हो, तो एन इज इक्वल टू कितनी आ गया, क्यू अपॉन ई, क्यू की वैल्यू 1 और ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 × 10⁻¹⁸, राइट। तो ई बराबर कितना होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक, और ये एक यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट होता है, याद रखिए। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस ऑफ दिस लार्ज मैग्नीट्यूड आर सेल्डम एनकाउंटर्ड एंड हेंस वी यूज स्मॉलर यूनिट 1 μC। अच्छा आप खुद ही देख रहे हो, यानी एक कूलाम आवेश की जो वैल्यू आई कितनी आई, 6 × 10⁻¹⁸। तो एक कूलाम बहुत बड़ा आवेश होता है, बहुत बड़ा आवेश होता है, इसीलिए जो हम फिजिक्स में अक्सर यूज करेंगे तो इसकी छोटी क्वांटिटी यूज करें, है? तो छोटी क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, 1 μC, 1 μC, ठीक है। तो 1 μC इज इक्वल टू 10⁻¹⁶ कूलाम, राइट, ओके। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इफ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द ओनली बेसिक चार्जेस इन द यूनिवर्स ऑल द ऑब्जर्वेबल चार्जेस हैव टू बी इंटीग्रल मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अगर से पूरे ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही एक बेसिक चार्ज हो जाए, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसी के मल्टीपल चार्ज में, यानी कि पूर्णांक में ही, पूर्ण गुणज में ही सारे चार्जेस को हम लोग ऑब्जर्व करें, ठीक है। यानी कि अगर कोई एक बॉडी है उसमें N1 इलेक्ट्रॉन है और N2 प्रोटॉन है, ठीक है, N1 इलेक्ट्रॉन है और N2 प्रोटॉन है, तो क्या होगा, यहां से देखिए, अगर N1 इलेक्ट्रॉन है, N2 प्रोटॉन है, तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी इज N2 × E प्लस N1 ×-E, क्योंकि जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में दोनों पे क्या है, इक्वल है, तो N2 ये E प्लस N1 हो गया, यानी कि प्रोटॉन का, और N1 × -E क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का, तो दोनों से N2 − N1 ये आ गया, तो पूरी बॉडी का चार्ज कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। सिंस N1 एन टू आर इंटीजर, तो डिफरेंस इज ऑल्सो एन इंटीजर, क्योंकि ये इंटीजर भाई 4 और 5 है, तो उसका डिफरेंस क्या होगा, 5 − 4 1, वो भी तो इंटीजर ही हुआ है ना, तो ये इंटीजर में ही आता है। तो चार्जेस ऑन द बॉडी इज ऑलवेज क्या होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होंगे, यानी कि पूर्णांक होगा ई, ठीक है। और जो स्टेप होता है ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टेप साइज, यानी कि अगर बढ़ेगा तो 1e +2e +3e इस तरीके से बढ़ेगा, स्टेप्स में बढ़ेगा, जो सीढ़ियाँ होती हैं लोगों के वैसे होते हैं, ठीक है। और ये भी बहुत छोटा होता है ना, माइक्रोस्कोप के लेवल का होता है, इसीलिए हम माइक्रो कूलाम आवेश के साथ डील करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो चार्ज है वो इंक्रीज और डिक्रीज करेगा किसकी यूनिट में, ई में, लेकिन वो विजिबल नहीं होता, ठीक है, विजिबल नहीं, ठीक है। कुछ फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं, द ग्रेनी नेचर ऑफ द चार्जेस इज लॉस्ट एंड इट अपीयर्स टू बी कंटिन्यूअस, ठीक है। दिस सिचुएशन कैन बी कंपेयर्ड विद ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट्स एंड लाइन, यानी कि जो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है ना, बिंदु और रेखाओं का जो रेखागणितीय है कॉन्सेप्ट है, उससे हम इस सिचुएशन को पढ़ सकते हैं क्या, कि जो ग्रेनी नेचर है चार्ज का वो समाप्त हो जाता है और ये कंटिन्यूस रहता है। ग्रेनी का, अच्छा यहाँ पे समझो, तो ग्रेनी क्या है ना, ना अभी आप लोग कहोगे ये ग्रेनी क्या है भाई, तो जैसे ये है ना, तो चार्ज क्या होते हैं, यहाँ पर होता है, यहाँ हो गया, यहाँ इस तरीके से, इस तरीके, ठीक है। और जब इसको हम ऊर्जा देते हैं तो ये चलने लगते हैं, कंटिन्यूस हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, तो ये हो गया ग्रेनी, लेकिन जब ऊर्जा देंगे इसको तो ये कंटिन्यूएशन में आ जाएंगे, इधर चलते हुए, ऐसे चलते हुए, ऐसे चलते हुए, कंटिन्यूस आ जाएंगे, है ना। तो इसी को ही हम लोग कहते हैं कंटिन्यूस नेचर, ठीक है, ओके। तो सिचुएशन कैन बी कंपेयर्ड विद द ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट एंड लाइन। अ डॉटेड लाइन व्यूड फ्रॉम अ डिस्टेंस अपीयर्स कंटिन्यूअस टू अस बट इज नॉट कंटिन्यूअस इन रियलिटी, ठीक है।
many points very close to each other normally give an impression of a continuous line, but many small charges taken together appear as a continuous charge distribution. ठीक है, पॉइंट को समझते हैं, थोड़ा सा पीछे चलता है. ठीक, क्या कह रहा है कि कोई भी डॉटेड लाइन आ रही है ना, दूर से दिख रही है, ये डॉटेड लाइन आ रही है आपके पास, है ना. तो हमको दूर से आप देखो तो लगेगा एक सीधी रेखा आ रही है, लेकिन क्या वो सीधी रेखा होती है, कंटिन्यूस होती है? नहीं, वो डॉट होता है, इस तरीके से डॉट. ठीक, कंटिन्यूस नहीं होता है, पहले आई फिर खत्म हुई, आया फिर खत्म हुई, लेकिन हमको अपीयर होता है. वही हाल चार्ज में भी होता है. कई सारे पॉइंट्स हैं, जैसे ये सब है पॉइंट, मान लो सब आपस में बहुत पास पास पास. ठीक है, तो हमको लगेगा कंटिन्यूस एक लाइन बना रहा है, लेकिन क्या लाइन होती है? नहीं होती. राइट, वैसे ही चार्ज के साथ होती है. ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हमने काफी कॉन्सेप्ट, मैंने कोशिश करी है कि धीरे धीरे समझाएं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट तक ही रखते हैं. इसके तुरंत बाद एक और वीडियो बनेगा जो आपको कल मिलेगा. आई होप समझ में आया होगा. नोट्स आप बना लीजिए, जो हिंदी के नोट्स हैं वो मैंने ग्रुप में प्रोवाइड करा दिए हैं. ठीक है, अगर फिजिक्स के आप लोग कहोगे तो उसको भी प्रोवाइड करना. थैंक यू.